अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट फीस इशू के रिगार्डिंग फेस कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज। लाइक कुछ कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आए कि सर हमने फीस पे कर दी है बाई यूजिंग SBI डेबिट कार्ड, लेकिन हमारी जो डेबिट कार्ड से पेमेंट तो कट गई लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है या हमारा जो UGC नेट का जो आप यहाँ फॉर्म फिल करते हैं उसका जो लॉगिन है उसमें हमारी फ़ीस अपडेट नहीं हुई लेकिन हमें डिडक्शन का मैसेज आ गया है। तो इसी का सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ऐसे कोई भी आप और भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। नॉट ओनली UGC नेट, अदर भी जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें जो आप टेक्निकल इश्यूज फेस करते हैं सभी का मैं सलूशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहां पर डिस्प्ले होगा कि UGC नेट की जो लास्ट डेट है वो 31/5/2020 है और जैसे यूज़र ने नियर अबाउट 3 दिन पहले फ़ीस पे की थी लेकिन अभी तक उसकी फ़ीस पे नहीं हुई तो वो क्या करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये इनकी UGC नेट की जो वेबसाइट है उसका ऑफिशियल पेज है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा है, आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट लिंक्स बने हैं कॉन्टैक्टर्स के। तो यहाँ पर हेल्प डेस्क है जिसकी टाइमिंग दी गई है 9:30 to 6 PM ड्यूरिंग वर्किंग डेज, मिंटू से मंडे टू सैटरडे होता है ये। अब देखिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स को इशू आ रहा है वो आ रहा है SBI के गेटवे में, तो उसके लिए या तो आप उनको यहाँ ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ टोल फ्री कस्टमर केयर दिया गया आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिर भी सोल्यूशन ना हो आप यहाँ पर दूसरा दी गई है ईमेल आईडी यहाँ पर मेल कर सकते हैं, उसमें पूरी अपनी क्यूरी बता दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप इस पर मेल करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं वो आपको इन डिटेल के साथ देना होगा, बिकॉज वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी ट्रांजैक्शन नंबर फिल करके वो आपकी सारी डिटेल चेक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा यहाँ कस्टमर केयर दिया गया है, ये ईमेल आईडीज दी गई हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तो था SBI का जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम कर रहे हैं जब वो पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा अगर आप सिंडिकेट बैंक की कोई भी गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए उनके ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, HDFC के ये यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है। अगर आप कॉल करते हैं कॉल वो ना पिक करें तो आप उनको मेल कर सकते हैं, फिलहाल कॉल पिक कर लेते हैं ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट अगर आप ICA के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए उनका ये यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज की। पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डिटेल दी गई है ईमेल आईडीज और कॉन्टैक्ट की। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है SBI में, फिलहाल बाकियों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जितने मैंने भी फीस पे की तो मैक्सिमम SBI में ही प्रॉब्लम आ रही है, अदर बैंक्स वगैरह में नहीं आ रही। अगर आप पेमेंट करना ही चाहते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि ICA का गेटवे यूज़ करें, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इससे मैंने 150 प्लस पेमेंट्स किए हैं अभी तक, उनमें कोई इश्यू नहीं आया, साथ के साथ ही आपकी पेमेंट अपडेट हो रही है। लेकिन अगर आप SBI के थ्रू कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, 3-3, 4-4 दिन हो रहे हैं पेमेंट अपडेट ही नहीं हो रही, बैलेंस आपका डिडक्ट हो रहा है अकाउंट में से, आपको मैसेज भी आ रहा है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि आपका जो बैलेंस है अकाउंट में से डिडक्ट हो गया लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जनरेट नहीं हो रहा और जो आपकी फीस है वहाँ पर वो आपकी वहाँ पर नहीं शो कर रही, वहाँ पर आपका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स और भी जो आपके फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज इनकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता ही दी है कि 31 मई है। आज ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 28 मई को, बिकॉज आपको पता है अगर कॉल वगैरह ना भी पिक करते हैं ईमेल आईडी पर उनको आप मेल भी करते हैं तो वहाँ नॉट ओनली सिंगल कैंडिडेट की मेल जाएगी, पता नहीं डेली की कितनी ईमेल्स जाती हैं उनको, तो सॉल्व करने के लिए टाइम तो लगेगा। सो अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका सलूशन जल्दी करिए, बिकॉज इनकी लास्ट डेट ओवर होने वाली है, सलूशन जल्दी ही कर देते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि बहुत लेट करते हैं, बहुत एडवांस यहाँ पर इनके सिस्टम्स हैं, काफ़ी जल्दी आपका रिस्पॉन्स वहाँ जो आप करते हैं दे देते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रोसेस ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और एनी फीस इशूज़ और ऑनलाइन फॉर्म या आप पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं उसकी सारी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम।